नमस्कार विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण प्राप्त स्पेक्ट्रा को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा सामान्यतः है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है सामान्यतः है विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र में पदार्थों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, और दूसरा प्रकार होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी अवशोषण स्पेक्ट्रा। अब देखो इमिशन स्पेक्ट्रा कब प्राप्त होता है। देखो नाम से स्पष्ट है, जब कोई पदार्थ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उस कंडीशन में उस पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को हम इमिशन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी अवशोषण स्पेक्ट्रा। अब देखो अवशोषण स्पेक्ट्रा कब प्राप्त होता है, जब कोई पदार्थ ऊर्जा को अवशोषित करता है तो उस कंडीशन में उस पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को हम एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा सामान्यतः है जटिल प्रकृति के होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं एंड ब्रॉडबैंड के रूप में प्राप्त होते हैं, ब्रॉडबैंड के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी पदार्थों के जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जटिल प्रकृति के होते हैं और ये चौड़ी बैंड यानी ब्रॉडबैंड के रूप में प्राप्त होते हैं। तो देखो ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जटिल प्रकृति के होते हैं और ब्रॉडबैंड के रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण प्राप्त होते हैं, और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होता है तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ
रोटेशनल ट्रांजिशन एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी संपन्न होते हैं। तो इन रोटेशनल ट्रांजिशन एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के कारण ही जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है ये जटिल प्रकृति के होते हैं और ब्रॉड बैंड के रूप में यानी चौड़ी बैंड के रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि किसी पदार्थ में तीन प्रकार के एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं। एक होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल, एक होता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। जो ये तीन प्रकार के एनर्जी लेवल्स होते हैं इनके मध्य एनर्जी गैप अलग अलग होता है। सबसे कम एनर्जी गैप रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के मध्य होता है और इससे ज्यादा एनर्जी गैप होता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के मध्य और सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के मध्य। तो इसका अर्थ ये हो गया कि दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के मध्य कई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के मध्य कई रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण प्राप्त होता है और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होता है तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी संपन्न होते हैं। तो इन रोटेशनल ट्रांजिशन एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के कारण ही जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं ये जटिल प्रकृति के होते हैं और ब्रॉड बैंड यानी चौड़ी बैंड के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का अर्थ है इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जाना ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जाना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जाना ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहलाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण सामान्यतः विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य एवं प्रावेणी क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जो एनर्जी है उसको एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखो समीकरण क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी को हम एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह समीकरण होती है देखो डेल
E बराबर होता है H म्यू, डेल E बराबर होता है H म्यू। डेल E क्या है, देखो डेल E है दोनों इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एनर्जी में डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जाता है, तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के मध्य जो एनर्जी डिफरेंस है, जो एनर्जी गैप है, वो डेल ई होता है। तो डेल ई बराबर एच म्यू, म्यू म्यू बराबर होता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और एच एच है प्लांक कांस्टेंट जिसका मान होता है 6.625 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल गुणा सेकेंड। तो इस समीकरण को देखो हम इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू बराबर होता है सी वाई लैम्डा, जहां सी सी क्या है प्रकाश का वेग, लैम्डा है वेवलेंथ। तो हम क्या करते हैं इस समीकरण के अंदर म्यू की जगह सी वाई लैम्डा रख देते हैं, तो डेल ई बराबर क्या आ जाता है, डेल ई बराबर आ जाता है एच सी बटा लैम्डा। तो एनर्जी को हम एच सी बटा लैम्डा समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो हम ये जानते हैं कि एक बटा लैम्डा बराबर होता है म्यू बार, यहां म्यू बार क्या है, म्यू बार है वेव नंबर तरंग संख्या। तो हम डेल ई बराबर एच सी बटा लैम्डा को देखो इस रूप में भी लिख सकते हैं कि एक बटा लैम्डा की जगह म्यू बार रख देते हैं, तो हम इस एनर्जी को इस रूप में भी लिख सकते हैं डेल ई बराबर एच सी म्यू बार। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जो एनर्जी है डेल ई, उसको हम डेल ई बराबर एच म्यू समीकरण के द्वारा या डेल ई बराबर एच सी बटा लैम्डा समीकरण के द्वारा या डेल ई बराबर एच सी म्यू बार नामक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सामान्यतः विजिबल एवं अल्ट्रावॉयलेट रीजन में संपन्न होते हैं, यानी पदार्थों के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विजिबल एंड अल्ट्रावॉयलेट रीजन में प्राप्त होते हैं, दस्य एवं प्रावेगी क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो देखो एमओटी के अनुसार सामान्य अणुओं में चार प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव होते हैं। तो एमओटी के अनुसार सामान्य अणुओं में मुख्यतः चार प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव होते हैं।
अब देखिए चार प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसमें एक तो होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, दूसरा प्रकार होता है पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तीसरा प्रकार होता है एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और चौथा प्रकार होता है एन से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो एमओटी के अनुसार सामान्य अणुओं में मुख्यतः चार प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, जिसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार और एन से सिग्मा स्टार। इन के बारे में हम एक पूर्व वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो आप वो वीडियो वापस देख लेना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आवेश परिवर्तन के आधार पर, आवेश परिवर्तन के आधार पर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं, यानी आवेश परिवर्तन के आधार पर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं, यानी आवेश परिवर्तन के आधार पर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। अब ये दो प्रकार कौन से होते हैं, देखो इसमें एक प्रकार होता है डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन, और दूसरा प्रकार होता है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो देखो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं, एक तो होता है डीडी ट्रांजिशन और एक होता है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि डीडी ट्रांजिशन क्या होता है और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम संक्षिप्त रूप से यानी छोटे रूप से या मुख्य रूप से जानते हैं कि डीडी ट्रांजिशन क्या होता है और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन। डीडी संक्रमण। तो देखो डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है कि इस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु के एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में चले जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु के एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम डीडी ट्रांजिशन कहते हैं,
यानी डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केंद्रीय धातु परमाणु के एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में चले जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम डीडी ट्रांजिशन यानी डीडी संक्रमण कहते हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु के एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम डीडी ट्रांजिशन यानी डीडी संक्रमण कहते हैं। अब देखो सीएफपी के अनुसार डीडी ट्रांजिशन के कारण संकुल यौगिकों में कलर उत्पन्न होता है, यानी सीएफटी के अनुसार जब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डीडी ट्रांजिशन संपन्न होता है, तो इस डीडी ट्रांजिशन के कारण उन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कलर यानी रंग उत्पन्न होता है। जैसे देखो हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे देखो एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है Ti6, ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का बैंगनी रंग डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है, डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है। तो ये हो गया डीडी संक्रमण यानी डीडी ट्रांजिशन। यानी डीडी ट्रांजिशन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन है वो केंद्रीय धातु परमाणु के एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में चले जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। तो सीएफटी के अनुसार डीडी ट्रांजिशन के कारण ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कलर उत्पन्न होता है। जैसे हमने एक टाइटेनियम का संकुल यौगिक लिया है, तो इसका जो बैंगनी रंग है वो डीडी ट्रांजिशन के कारण यानी डीडी संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। तो ये हो गया डीडी ट्रांजिशन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है तो दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो देखो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होता है, यानी इस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन धातु के ऑर्बिटल से लिगेंड के ऑर्बिटल में या फिर लिगेंड के ऑर्बिटल से धातु के ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। इसमें इलेक्ट्रॉन मेटल के ऑर्बिटल से लिगेंड के ऑर्बिटल में या लिगेंड के ऑर्बिटल से मेटल के ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन।
यानी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के ऑर्बिटल से लिगेंड के ऑर्बिटल में या फिर लिगेंड के ऑर्बिटल से मेटल के ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। अब देखो ये जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है ये चार प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार कौन कौन से होते हैं देखो, नंबर एक एलएमसीटी ट्रांजिशन, जिसका पूरा नाम होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। दूसरा प्रकार होता है एमएलसीटी ट्रांजिशन, यानी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तीसरा होता है एमएमसीटी ट्रांजिशन, यानी मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। और चौथा जो प्रकार होता है वो होता है एलएलसीटी ट्रांजिशन, यानी लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन चार प्रकार के होते हैं, एलएमसीटी ट्रांजिशन यानी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, दूसरा है एमएलसीटी ट्रांजिशन मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, तीसरा है एमएमसीटी ट्रांजिशन मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, और चौथा है एलएलसीटी लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन चार प्रकार के होते हैं। अब देखो हम पहला लेते हैं एलएमसीटी ट्रांजिशन। अब देखो इसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि इसमें इलेक्ट्रॉन लिगेंड के ऑर्बिटल से मेटल के ऑर्बिटल में चले जाते हैं, यानी यहां चार्ज का ट्रांसफर है वो लिगेंड से मेटल की ओर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड के कक्षक से मेटल के कक्षक में चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम एलएमसीटी यानी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन कहते हैं। और इस ट्रांजिशन के कारण संकुल यौगिकों में कलर उत्पन्न होता है, और यहां जो कलर उत्पन्न होता है वह अपेक्षाकृत अधिक गहरा होता है, उस कलर की इंटेंसिटी अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे हम देखें यहां एग्जांपल के रूप में, तो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर, एलएमसीटी ट्रांजिशन के कारण होता है। दूसरा एग्जाम्पल है तो K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर, एलएमसीटी ट्रांजिशन के कारण होता है। और एक एग्जाम्पल और ले तो CdS का येलो कलर, एलएमसीटी ट्रांजिशन के कारण होता है। तो बहुत सारे संकुल यौगिकों के अंदर एलएमसीटी ट्रांजिशन होता है, और इस एलएमसीटी ट्रांजिशन के कारण संकुल यौगिकों में कलर उत्पन्न होता है, और उस कलर की इंटेंसिटी है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है, और या पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर है, कैडमियम सल्फाइड का येलो कलर है, ये एलएमसीटी ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होते हैं। अब देखो दूसरा जो प्रकार है वो है एमएलसीटी ट्रांजिशन, दूसरा प्रकार है एमएलसीटी ट्रांजिशन। अब देखो एमएलसीटी ट्रांजिशन क्या होता है, देखो इसके नाम से स्पष्ट है कि इस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन मेटल के ऑर्बिटल से लिगेंड के ऑर्बिटल में चले जाते हैं, यानी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है यहां, यानी यहां मेटल से लिगेंड की ओर
इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के कक्षक से लिगेंड के कक्षक में चले जाते हैं, तो उसे हम MLCT यानी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन कहते हैं। इस ट्रांजिशन के कारण भी संकुल यौगिकों में कलर उत्पन्न होता है। जैसे देखो का रेड कलर, रेड कलर MLCT ट्रांजिशन के कारण होता है। एक एग्जांपल और ले देखो हम, रुथेनियम BIPY3+2 का ऑरेंज कलर, MLCT ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होता है। तो यह हो गया MLCT ट्रांजिशन। अब तीसरा है MMCT ट्रांजिशन, MMCT ट्रांजिशन, MMCT ट्रांजिशन। तो देखो MMCT ट्रांजिशन क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो एक धातु के कक्षक से दूसरी धातु के कक्षक में चले जाते हैं, यानी मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यानी इलेक्ट्रॉन है वो एक मेटल के ऑर्बिटल से दूसरी मेटल के ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो उसको हम MMCP ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे इस ट्रांजिशन के कारण भी कलर उत्पन्न होता है। जैसे हम देखें तो हम जब नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण करते हैं तो हमें पर्शियन ब्लू कलर प्राप्त होता है। तो नाइट्रोजन एलिमेंट के टेस्ट के अंदर जो पर्शियन ब्लू कलर प्राप्त होता है, वह पर्शियन ब्लू कलर एक संकुल यौगिक बनने के कारण होता है, और उस संकुल यौगिक का जो पर्शियन ब्लू कलर है वो MMCT ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे फेरिक फेरोसाइनाइड FE4 FeCN6 3, यानी फेरिक फेरोसाइनाइड का पर्शियन नीला रंग है, वो MMCT ट्रांजिशन के कारण प्राप्त होता है। और देखिए हम एक एग्जांपल यहां, तो रेड लेड PB3O4 का रेड कलर MMCT ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होता है। अब देखो चौथा प्रकार है, वो है LLCT ट्रांजिशन, LLCT ट्रांजिशन, LLCT ट्रांजिशन। तो देखो LLCT ट्रांजिशन क्या होता है, तो देखो लिगेंड टू लिगेंड, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन लिगेंड के एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो उसे हम LLCT ट्रांजिशन कहते हैं। इस ट्रांजिशन के कारण भी संकुल यौगिकों के अंदर कलर उत्पन्न होता है। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर है वो LLCT ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है, ये चार प्रकार के होते हैं, LMCT ट्रांजिशन, MLCT ट्रांजिशन, MMCT ट्रांजिशन और LLCT ट्रांजिशन। इनमें LMCT ट्रांजिशन और MLCT ट्रांजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी LMCT ट्रांजिशन और MLCT ट्रांजिशन, इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब आप असाइनमेंट के लिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए, तो क्वेश्चन लिखिए MOT के अनुसार सामान्य अणुओं में संपन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को उदाहरण सहित समझाइए। दोबारा सुनिए,
एमओटी के अनुसार सामान्य अणुओं में संपन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को उदाहरण सहित समझाइए। धन्यवाद। थैंक यू।